नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज इस हाथ के विषय में आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम मैं फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दूंगा। तो सर्वप्रथम आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हड़बड़ी जल्दबाजी में निर्णय लेने की क्षमता अब जैसे लोगों में ज़्यादा रहती है, यानी फटाफट क्विक एक्शन व डिसीजन ले लेने वाले होते हैं और उन एक्शन डिसीजन को बहुत जल्दी लाइफ में इम्प्लीमेंट, यानी जो सोचा रहता है उसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। तो बहुत सारे काम बिना सोचे समझे भी करने वाले रहते हैं आप। और लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन ठीक है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से ऊपर है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपनी बात को आप स्पष्ट व सीधे रूप से किसी के भी सामने रखने वाले रहेंगे। किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं शो हो रही है। और जब लिटिल फिंगर व्यक्ति की अच्छी देखने को मिले, तो इस कारण से कम्युनिकेशन के लाइन में, मार्केटिंग स्किल यानी मार्केटिंग लाइन में, बिजनेस लाइन में प्रोग्रेस के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ आपके हाथ में ज़्यादा है, यानी सूर्य की, जिसके कारण आपके अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी एवं आर्टिस्टिक क्वालिटी रहेगी। लाइफ में आप रिस्क भी बहुत ज़्यादा लेने वाले रहेंगे और आपका जो सोशल सर्कल है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। नेम फेम मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट है आपके। और गुरु पर्वत भी और गुरु फिंगर दोनों के दोनों कहीं ना कहीं बेस्ट पोजिशन में यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिसके कारण फैमिली की तरफ से जो सुख मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं बढ़ता है, अध्यात्म के प्रति रुचि भी बढ़ती है। फिंगर के बीच में बनने वाले गैप जो ये आपके हाथ में ये बन रहे हैं, ये एक प्रकार के इंडिपेंडेंट अप्रोच को इंडिकेट करते हैं, यानी आप स्वतंत्रतापूर्वक जीना, रहना, खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और किसी के अंडर में कोई वर्क नहीं कर पाते और किसी के अंडर में रह भी नहीं पाते, यानी मन के मालिक वाला नेचर आपका रहेगा। इसके अलावा आपके जीवन में खर्चे भी बेहद रहने वाले हैं, आपके पास पैसा नहीं रुकेगा, चाहे जितना भी पैसा हो कैसे चल जाएगा आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। तो पैसे का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपको नहीं करना चाहिए लाइफ में। और फिंगर के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर शो हो रही है आपकी, जो बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर व मिलनसार स्वभाव को बताती है। और जहाँ तक देखें तो फिंगर की गठान जो आपके हाथ में बन रही है कंपेरेटिवली अच्छी है, तो जो माउंट्स हैं उनका जो यहाँ पर रिएक्शन रहेगा वो पूरा का पूरा आपको मिलने वाला रहेगा, यानी पॉजिटिव ही इसको माना जाता है। अंगूठा आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो बहुत जल्दी फेरबदल कर लेते हैं आप अपने डिसीजन पे। और यहाँ पर एक और चीज़ ये शो करता है कि आप जो चीज़ ठानेंगे, यानी एक प्रकार का जिद्दीपन भी आपके अंदर यहाँ पर अंगूठे के द्वारा शो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी, हड़बड़ी में किया गया हर काम आपके लिए नुकसानदेह ही साबित होने वाला रहेगा। यहाँ पर बहुत अच्छा बुद्धा आइस का जो है चिन्ह बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा ओपन है, लेकिन तब भी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देखने को मिलता है, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा देखने को मिलता है और साथ ही साथ अध्यात्म के प्रति दिन प्रतिदिन रुचि बढ़ते जाती है। और वैसे भी अगर आप जितना ज़्यादा धर्म कर्म इन सब के कार्यों से जुड़े रहेंगे, आपको मानसिक शांति उतना अच्छे से मिलेगा, यानी मेंटल पीस सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा और दिन प्रतिदिन जीवन में सुधार होता भी चला जाएगा। इंटेलिजेंसी भी आपके अंदर अच्छी है कंपेरेटिवली। और यहाँ पर पहले पर्वत की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण पहले पोर की जो लेंथ है यहाँ पे बहुत अच्छी है, जिसके कारण इच्छा शक्ति आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। आपके पाम के साइज के विषय में चर्चा करें तो एकदम रेक्टेंगुलर हाथ यहाँ पर शो हो रहा है और बाहरी जो मंगल है ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, तो आप मेंटली जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर शो हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका एग्रेशन जो मेंटली लेवल पर बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि आप लाइफ में जो भी चाहेंगे उसको कर गुजरने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। इसी के कारण आपके अंदर हौसला, जुनून, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। किसी से भी मिलेंगे बहुत जुनून के साथ, हौसलों के साथ मिलने वाले आप रहेंगे। और अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत व रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से यहाँ प्रारंभ करते हैं, तो गुरु फिंगर अच्छी थी, गुरु माउंट भी यहाँ पर थोड़ा सा कम स्पेस ले रहा है लेकिन अच्छा उभरा हुआ है। तो लाइफ में जो आपको फैमिली की तरफ से जितने भी सुख मिलने हैं वो मैरिज के बाद मिलेगा आपको, और यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन भी आपकी गई हुई है। तो लाइफ में आप बहुत एम्बिशियस भी रहेंगे, बहुत कुछ अपने जीवन में बहुत कुछ नया करना चाहेंगे और हमेशा नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहेंगे ताकि लाइफ स्टाइल में और ज़्यादा चेंजेस हो, बढ़ोतरी हो। और माइंड लाइन भी कहीं ना कहीं गुरु से कनेक्टेड है, तो ये दोनों के दोनों क्रिएशन के कारण जुनून भी आपके अंदर रहेगा और एम्बिशियस नेचर भी आपका यहाँ पर शो हो रहा है। सैटर्न के विषय में चर्चा करें, यानी शनि पर्वत पर, तो शनि पर्वत फ्लैट है और यहाँ पर जो शनि रेखा है वो आपकी चंद्र के क्षेत्र से निकली हुई है, तो देखिए इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है शुरुआती जीवन में,
लेकिन अप्रोक्स 28-29 एज के बाद से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए सीधे रिटायरमेंट के एज पर आकर के ख़त्म हुई हैं, देन कनेक्टेड हुई है आपके यहाँ पर सपोर्टिव हार्ट लाइन के द्वारा, और इसी के द्वारा यहाँ पर शनि के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है। शनि के क्षेत्र में ट्रायंगल बनना बेहद शुभ होता है क्योंकि ये प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। आप कभी भी आपके साथ एक्सीडेंट या फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं हुआ होगा, आप हमेशा इन सब चीज़ों से बच गए होंगे। उसका रीज़न ही ये है कि शनि आपको व्हीकल, घोड़ा गाड़ी, इन सबसे और हर प्रकार के जो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, इन सबसे बचाएगा। अब जहाँ तक चर्चा करें आपके लक के विषय में, तो देखिए आपके हाथ में मून लक है, तो मून लक है तो ये जान लीजिए कि आपको जन्म स्थान में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगा, आपको जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। और लाइफ में मैरिज के बाद जो है बहुत अच्छा सक्सेस भी आपको देखने को मिलेगा, मदर सपोर्ट आपके लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा, और ये सीधे कनेक्टेड हो रहा है गुरु से, जिसके कारण कहीं ना कहीं फॉरेन कनेक्शन होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और ऐसा कोई भी जॉब या बिजनेस जिससे आप फॉरेन से कनेक्शन कर पाएँ, यानी फॉरेन से अर्निंग कर पाएँ, वो सारे काम आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होंगे। और सर्वप्रथम जन्म स्थान से दूर आपको जाना है। और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, ये भी आपके अंदर बेहद अच्छी रहने वाली है, और मन का आप थोड़ा ज़्यादा करेंगे क्योंकि आपका भाग्य ही यहाँ पर इंडिकेट ये कर रहा है। और सूर्य पर्वत भी यहाँ पर देखिए दबा हुआ है, जब सूर्य पर्वत भी दबा हो तो थोड़ा आत्मविश्वास में कमी होती है और करियर चॉइस करने में भी डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि आपके हाथ में सूर्य रेखा तो है, एक से अत्यधिक सूर्य रेखा चल रही है, लेकिन कोई भी प्रोमिनेंट नहीं है, तो इसके कारण से थोड़ा सा मन भटका हुआ देखने को मिलता है, कन्फ्यूजिंग माइंड होता है, तो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग भी नहीं हो पाती और करियर भी प्रॉपरली चूज़ नहीं हो पाता है। तो थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा सूर्य पर फोकस देना पड़ेगा, तब जा कर के आपका करियर में सुधार होगा और लाइफ में हर चीज़ आप बहुत अच्छे से गेन कर पाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट आपका कंपेरेटिवली नॉर्मल है, तो थोड़ा सा आप बातों को छुपाने में माहिर रहेंगे, दिखाएंगे कुछ और आप हैं असल में कुछ और, इस प्रकार का व्यक्ति तो थोड़ा सा शो हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से निकलते हुए सीधे गई है और हल्की सी ओवरलैपिंग के साथ वापस गई है और थोड़ा सा झुक रही है यहाँ पर मंगल की तरफ, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टार्टिंग लाइफ में आपके एग्रेशन बहुत ज़्यादा था, फिलहाल थोड़ा इन सब चीज़ों में सुधार हो रहा है, लेकिन एग्रेसिव पर्सनैलिटी अभी भी है, गुस्सा आपका भारी रहेगा, लेकिन हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ यानी कोई भी ट्रबल ऐसे नहीं है। और जो सपोर्टिव आपकी हार्टलाइन गुरु से कनेक्टेड हुई है, तो ये एक प्रकार का व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर वाला बनाती है, जिसका मीनिंग ये निकलता है कि आपका किसी से लगाव नहीं होता, लेकिन अगर किसी से अगर थोड़ा बहुत भी लगाव हो गया तो बहुत कुछ उसके लिए आप करने के लिए रेडी हैं, और अपने तरफ से हर रिलेशन और हर चीज़ में आप 100% देते हैं, लेकिन आपको मिलता नहीं है, ये भी यहाँ पर शो हो रहा है। और इसके अलावा देखा जाए माइंड लाइन के विषय में, तो स्टार्टिंग लाइफ में माइंड लाइन और लाइफ लाइन में द्वीप बना हुआ है, तो स्टार्टिंग लाइफ कहीं ना कहीं 12-13 साल की उम्र तक आपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, यानी कष्ट में, फैमिली इशूज़, फाइनेंशियल इश्यूज और थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आपको थे, लेकिन उसके बाद ये रेखा एकदम सीधे यहाँ पर चल रही है और इसमें से एक रेखा ऊपर की ओर भी जा रही है, तो ऊपर की ओर जाने वाली रेखा जो बुध से कनेक्टेड हो रही है, जो एक बिजनेस माइंडेड पर्सन होने की निशानी होती है और बिजनेस में होने वाले झुकाव को भी इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर सीधे जाने वाली रेखा लॉजिकल नेचर को इंडिकेट करती है, प्रैक्टिकलिटी को बता रही है, पुराने से पुराने बात को याद रखने की क्षमताओं को बता रही है, और गुड डिसीजन मेकिंग हैबिट को और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को भी बता रहा है। तो माइंड लाइन भले ही शॉर्ट है आपका, स्टडीज़ में इतना फोकस कहीं ना कहीं नहीं हो पाता होगा, थोड़ी सी ट्रबल आती होगी, लेकिन माइंड तब भी आपका बहुत शार्प यहाँ पर शो हो रहा है। भारी मंगल पर आड़ी रेखा होना भी शुभ होता है, क्योंकि ये हमेशा आपको बचाएगा, मतलब जो भी आप काम खुद के द्वारा ही, एक तो आप काम यहाँ पर बिगाड़ेंगे क्योंकि मंगल आपका ओवर डेवलप है, तो ऐसा व्यक्ति खुद के ही डिसीजन के कारण, खुद की मेंटेलिटी के कारण अधिकतर काम बिगाड़ने वाला होता है, लेकिन जब यहाँ पर आड़ी रेखा हो तो कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन भी लाइफ में मिलता चला जाता है, भाई बंधुओं का या किसी प्रकार के सहयोगी लोगों का, यानी किसी ना किसी प्रकार से प्रोटेक्शन मिलेगा, जिसके कारण आप हर प्रकार के ट्रबल से जो खुद ने आपने क्रिएट किए हैं उससे आप निकल जाएंगे। लाइफ लाइन के फ्लो में आते हैं, तो लाइफ लाइन का फ्लो इस प्रकार से मिडिल तक आया है, तो लाइफ में सेंटर फोकस भी आप अच्छा खासा रहेंगे, एज आपकी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और शुक्र से आने वाली इस प्रकार की रेखा, एज आपकी अप्रोक्स यहाँ पर 79+ यहाँ पर इंडिकेट हो रही है, और शुक्र की तरफ से आने वाली इस प्रकार की बहुत माइनर सी लाइन है जो कहीं ना कहीं यही शो कर रही है कि
आपको फैमिली से बहुत ज़्यादा सुख और फैमिली से ही अर्निंग सोर्स भी मिलने वाला है। ये रेखा अगर आगे चल के और ज़्यादा मजबूत होती है तो चांसेस 100% पूरे के पूरे हैं, और अगर ये रेखा कम हो रही है तो चांसेस फिर कम हो जाते हैं। हालांकि यहाँ से निकलने वाली रेखा ये भी इंडिकेट करती है कि फैमिली कनेक्शन बॉन्डिंग भी आपकी बहुत अच्छी दिन प्रतिदिन बनते जाएगी। लाइफ लाइन से निकली हुई इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन यही इंडिकेट करती है कि सेल्फ मेड पर्सनैलिटी आपकी रहेगी, यानी खुद के एफर्ट्स के द्वारा भी आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ गेन करने वाले रहेंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रायंगल बन रहा है आपके फेट लाइन और माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली, तो आप अपने मेंटेलिटी के कारण लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि एक तो बाहरी मंगल भी ओवर डेवलप है और इस प्रकार की जब मेंटेलिटी हो जाती है यानी ट्रायंगल बन जाता है माइंड लाइन के ऊपर, तो व्यक्ति के लाइफ में कितनी भी परेशानी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए लेकिन हार मानने वाला नहीं होता है। और यही रीज़न है कि आप जैसे लोग डट करके हर मुसीबत का सामना करते हैं, तो ये बहुत शुभ चिन्ह है अपने आप में, तो इसी कारण से आप हर परेशानी से निकल जाने वाले भी रहेंगे। मंगल पर्वत अंदरूनी ठीक है आपका, तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा अच्छी रहेगी आपकी, और सहयोगी रेखा भी चल रही है, तो अप्रोक्स 36 के एज के बाद से जो है आपको जीवन में सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। शुक्र पर्वत कंपेरेटिवली नॉर्मल है आपका, और सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर भाई बहनों के सहयोग को बताती है, दोस्तों के सहयोग को बताती है, जो अपोजिट जेंडर है वहाँ से भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहयोग मिलता रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेगी, उन सब की योगों को बताता है। और थोड़ी सी आड़ी रेखा है लेकिन कुछ ज़्यादा यहाँ पर ख़राबी नहीं, क्योंकि जालीनुमा आकृति कुछ भी नहीं बना है, तो इतना कुछ खराबी नहीं है यहाँ पर। केतु माउंट भी आपका नॉर्मल है और चंद्र पर आड़ी रेखा यानी विदेश यात्रा के योग पूरे हैं। अगर यहाँ पर ये तिल है चंद्र पर तो सही नहीं होता है, क्योंकि मन में अशांति रहती है, मन हमेशा दुखी व्यक्ति का रहता है, और फैमिली इश्यूज़ भी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और मनी ट्रायंगल नहीं है आपके हाथ में तो धन तो रुकेगा नहीं, लेकिन तब भी जितने भी योग हैं फिलहाल बहुत अच्छे हैं, और हल्की फुल्की ये जो रेखा काट रही है ये हल्की फुल्की सी ट्रबल को इंडिकेट कर रही है, लेकिन इतना ज़्यादा मेन इश्यूज़ लाइफ में आपके नहीं हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछ।